पेट्रोल कितने रुपए केजी दिया? मैडम केजी में नहीं होता पेट्रोल, पेट्रोल लीटर में होता है। ओहो ठीक है ठीक है, कितने रुपए लीटर दिया? 100 रुपए लीटर। क्या 100 रुपए लीटर, इतना महंगा? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पिछले वाला जो पेट्रोल पंप था ना, उसने तो मुझे 90 रुपए लीटर दिया था, कल ही भरवाया मैंने। आप लोग तो यहाँ पे ना लूट रहे हो हमें, हानि तो महंगे कहीं के। देखिए मैडम, अगर आपको कहीं और सस्ता मिल रहा है ना, तो वहाँ से डलवा लीजिए, ठीक है? आप जाइए यहाँ से। हाँ हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ से पेट्रोल डलवाऊँ, समझे? बड़े आए जाओ। कितने रुपए लीटर दिया? मैडम 90 रुपए लीटर। 90 रुपए लीटर? देखा, मैंने तो कहा ही था पेट्रोल 90 रुपए लीटर हो रहा है, एक ही पेट्रोल पंप पे अलग अलग रेट पे बेच रहे हैं लुटेरे कहीं के, लूट मचा रखी है बिल्कुल। अरे मैडम ये पेट्रोल नहीं है, डीजल है। क्या डीजल? वैसे मैडम आपको एक टिप दूं? हाँ। आपको पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप तो पापा की परी हो, उड़ के भी जा सकती हो। Shut up! लो मैडम, हो गया, ले जाओ। भाई एक काम करो, 500 रुपए का डाल दो इसमें पूरा। बस 500 का? हाँ 500 का। एक दो तीन चार पांच, ये लो भाई, हो गया। अरे ये क्या भाई, 500 रुपए में बस 5 टुपके, इतना कम? हाँ भाई महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 500 में इतना ही आएगा। भाई एक बात पूछूं? हाँ? अगर टैंकी फुल करानी हो तो? अच्छा टैंकी फुल करानी हो तो भाई वो देखो आपको फाइनेंस करवाना पड़ेगा, वो आपकी EMI बना देंगे, महीने दर महीने भरते रहना, और भाई टाइम से भर देना वरना जेल भी हो सकती है। आजा आजा तेरा फाइनेंस कराऊंगा, आजा 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 तेरी टंकी फुल कराऊंगा, आजा आजा। ना ना भाई मेरे को कोई फाइनेंस नहीं कराना, कोई EMI नहीं करानी, मैं अपना साइकिल ही चला लूंगा, मेरे को नहीं करानी टंकी फुल। अरे भाई मेरे 500 रुपए तो दे जा। अरे भाई ये पेट्रोल पंप तो खोल लिया पर यहाँ कोई आता तो नहीं, बिल्कुल सुनसान पड़ा रहता है यार, महंगाई इतनी बढ़ गई कौन आएगा। हाँ भाई सही बोल रहा है, और वैसे भी अब तो लोगों ने इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक ले ली है, हमारा तो धंधा ही ठप हो गया। भाई गाड़ी वो भी इतनी बड़ी, मतलब टैंकी फुल कराएंगे। बताओ भाई साहब पेट्रोल या डीजल? अरे भाई साहब हमें कुछ नहीं भरवाना, हमें तो क्या है ना कि प्रेशर लगा हुआ था, किसी को पानी पीना था तो उसके लिए आए थे। तो जाएं? जाओ। ये भी चले गए भाई, मेरे को लग रहा है हमने पेट्रोल पंप नहीं पब्लिक शौचालय खोल दिया। Yes! जो आता है हगता है मुतता है और चला जाता है। हाँ भाई सही बोल रहा है, एक काम करते हैं उसी का भाड़ा रख लेते हैं, मुतने के 5 रुपए हगने के 10 रुपए। बात तो तू सही कह रहा है, इसको बंद कर उसको चालू कर। हाँ चल। भाई
देखियो वो बंदा रोज आता है और मशीनों के पास बैठता है, मेरे को लगता है चोर है ये। अच्छा चल इस पास रंगे हाथ पकड़ते हैं। क्या कर रहा है, पेट्रोल चोरी कर रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं पेट्रोल चोरी नहीं कर रहा। तो क्या कर रहा है? मैं तो इसकी खुशबू ले रहा हूँ, इतनी अच्छी खुशबू है ना पेट्रोल की, आप तो रोज लेते हो, आपके तो मजे हैं। अरे यार कितना बदतमीज आदमी है, पेट्रोल कौन सूंघता है, चल निकल यहाँ से। अरे भाई आप ये सब छोड़ो, आप बस मेरा एक काम कर दो। क्या? वो थोड़ा सा पेट्रोल है ना मेरी नाक में डाल दो, क्योंकि थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ तो खुशबू ले नहीं पाऊंगा ऐसे। ये पूरी नलकी ना घुसेड़ दूं तेरी नाक में, हैं? चला जा ऐसे। हाँ हाँ तुम्हारा पेट्रोल पंप है इसलिए अकड़ दिखा रहे हो, कोई नहीं मत डालो जा रहा हूँ। हाँ भाई टैंकी फुल कर दे। टैंकी फुल? अरे सर आपको पता है ना पेट्रोल के भाव कितने ऊपर हैं और आप टंकी फुल कराने की बात कर रहे हो। ओ भाई पेट्रोल के भाव की टेंशन वो लेगा जिसको गाड़ी दहेज में मिली है, हमारी तो घर की है। चल अब फुल कर दूँ? हाँ कर दे फुल। हो गई सर। हो गई। ये ले तो पैसे भी हो गए UPI। और हाँ एक बात और बता दूं, पेट्रोल के भाव चाहे कितने भी बढ़ जाएं सुई नीचे हम भी नहीं आने देते। हेलो अभी अभी निकला है गाड़ी की टंकी फुल करवा के, उसी तरफ आ रहा है देख लेना। हाँ हाँ समझ गए ना। डाकू डाकू क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? ये लो तुम मेरा ये फोन रख लो और मेरे को छोड़ दो। अबे हमें ये फोन नहीं चाहिए। अच्छा तो एक काम करो ये मेरी गाड़ी की चाबी रख लो मुझे छोड़ दो। अबे गाड़ी की चाबी भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हमें तू चाहिए। मैं? हाँ क्योंकि तूने अभी पिछले पेट्रोल पंप पे गाड़ी की टंकी फुल कराई है ना। हाँ इसका मतलब तेरे पास बहुत सारा पैसा है। मतलब तू हमारी बहन के लिए परफेक्ट है। है नहीं? हाँ अब जल्दी से ना शादी के लिए हाँ बोल दे। है? मतलब कुछ नहीं, तू हमारी बहन के लिए परफेक्ट रिश्ता है, इतनी महंगाई में तूने पेट्रोल पंप से टंकी फुल कराई है। इसका मतलब तू हमारी बहन को सारी जिंदगी बहुत खुश रखेगा, उसे गाड़ियों में घुमाएगा। अब जल्दी से हाँ बोल दे शादी के लिए फटाफट। ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ मैं, मैंने तो तुम्हारी बहन को अभी तक देखा भी नहीं। बेटा हाँ तो करनी पड़ेगी तेरे को। नीचे करो गन। अरे अरे मेरे को छोड़ो, ऐसे कैसे उठा सकते हो, छोड़ो। भाई जल्दी से 20 का पेट्रोल डाल दो, सिलेंडर आगे निकल गया, जल्दी डालो। अभी डालता हूँ भाई रुको। ओहो इसका तो पोल्यूशन का चालान कटेगा, बहुत धुआं फेंकता है। हाँ जी सर पेट्रोल डाल दूं? हाँ डाल दे, पर गाड़ी के अंदर मत डालियो, गाड़ी के ऊपर डालियो ताकि इसको आग लगा सकूं मैं। आग? भाई साहब इतने परेशान क्यों, क्या हुआ? परेशान तो भाई साहब मैं इतना हूँ, ये गाड़ी दहेज में मिल तो गई पर इसका पेट्रोल का खर्चा कौन उठाएगा अब?
क्या आफत आ गई? क्या हो गया? क्यों भड़क रहे हो? वाह भड़क रहे हो, भड़क तो मैं तेरी वजह से रहा हूँ। महारानी को सब्जी लेने भी जाना हो तो गाड़ी में जाती है, पेट्रोल का खर्चा क्या तेरा बाप देगा? और अगर इतना ही शौक है गाड़ी में घूमने का तो इस गाड़ी के साथ साथ एक पेट्रोल पंप भी मांग लेती अपने बाप से। दिमाग खराब करके रखा है। अरे क्या कलेश कर रखा है? अरे 20-30 रुपए की बात हो तो मैं कर दूं। आओ आओ आओ, आपका ही इंतजार था 20-30 रुपए की बात। ये सब तेरी और तेरे बाप की वजह से ही तो हो रहा है जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। जब तो ये इतनी बड़ी गाड़ी दे दी, तेल का कुआ, अब ये खर्चा कौन उठाएगा? वाह 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 वाह, तेल के कुएं जितना बड़ा मुंह है वही फाड़ दिया था। बोला इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, जब इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए थी तो इसमें पेट्रोल डलवाने की औकात भी तो होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, अब तू मेरे से फालतू जुबान लड़ाएगा? इतनी इतनी मत होगी तेरी। चल चल रुक जाओ, आज तुम्हें मैं बताता हूँ। भाई साहब ये गाड़ी से ले जाओ, यहाँ पे छोड़ गए। गाड़ी गाड़ी को अपने पास ही रखो, हम नहीं लेके जा सकते। वैसे भी पेट्रोल डलवाने के पैसे तो है नहीं, घर में खड़ी रहेगी। मैं इन दोनों का छोड़ूंगा नहीं, इनको देखता हूँ मैं। अच्छा मुझे गाड़ी दे दी। जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के देने वाला जब भी दे